आदाब नाजरीन, पेशे खबरें, आइए देखते हैं हैदराबाद एक्सप्रेस पर। माह मुहर्रम अल हरम के ज़मन में आश्रमखानों के आसपास तरक्याती कामों की अंजामदही और अदादारों को सहूलत पहुंचाने के लिए एक रियासती सतह का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत रियासती वज़ीर व इंचार्ज हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने की। इस इजलास में ऐलान किया गया कि माह मुहर्रम में हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे और कोई कसर इस मरतबा बाकी नहीं रहेगी। तमाम महकमेजात को इश्तराक व ताउन के साथ काम करने की हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई है। इजलास में रियासती हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती बहबूद जनाब मोहम्मद अली शब्बीर, अरकान मुखन्ना जनाब कौसर मोहुद्दीन, जाफर हुसैन मीराज, मीर ज़ुल्फ़िकार अली, जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी, जनाब मिर्ज़ा रहमत बे कादरी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद असमतुल्ला हुसैनी, सदर नशीन हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल खुसरो बयाबानी, सदर नशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन जनाब उबैदुल्ला कोतवाल, सदर नशीन टिमरीज जनाब फहीमुद्दीन कुरैशी, कांग्रेस के रुकन कौंसिल बी वेंकट, मंजसी कॉरपोरेटर्स और इसके अलावा जनाब दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इंचार्ज वज़ीर और मुशीर हुकूमत ने तमाम मजलिसी अरकान को इस बात का तयखुन दिया कि हुकूमत की जानिब से वक्त से कबल इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे और जितने जो भी रकूमत है वो फौरी तौर पर भी जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि हैदराबाद का मुहर्रम के इंतजाम और मुहर्रम का जुलूस जो होता है उसके लिए खसूसी तौर पर हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जाते हैं और तमाम तर सहूलतें फराहम की जाती है। इस अजलास में मजलिस के अराकीन ने अपने अपने तजावीज़ रखे, जिसे हुकूमत के अहदेदारों ने उसे नोट किया है और अहदेदारों को उस ताल्लुक़ से हिदायतें जारी की जाएंगी। मजलिसी अरकान का कहना यह था कि हर साल जो है रकूमत जारी की जाती हैं, लेकिन मुहर्रम के शुरू होने तक भी आबकपाशी के काम शुरू नहीं किए जाते हैं और गुत्तेदारों की तरफ से जो है टालमुल किया जाता है और काम वक्त पर नहीं होते हैं, जिससे काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अदादारों को इसके लिए तकालीफ़ होती हैं। लिहाजा मजलिस अराकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कबल उस वक्त फौरी तौर पर जंगी बुनियाद पर मुहर्रम के कामों के इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएं। आइए देखते हैं, ये एक रिपोर्ट पेश है। खास तौर से कैश पे अपने पास प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होने की तरफ से रेगुलर आज अगर मेरी गुड मॉर्निंग होती है तो नाला ओवरफ्लो से होती है, एसडब्ल्यूटीएल ओवरफ्लो से और हमारे सीवरेज लाइन से होती है गुड मॉर्निंग, लोग कंप्लेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुहर्रम के महीने में जैसा हमारी शिया बिरादरी वालों ने एक अकीदत के साथ में मातम करते हैं, मजालिस होते हैं, तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनको किस तरीके से फैसिलिटीज देना चाहिए, क्यों फैसिलिटीज देना जरूरी है डिपार्टमेंट को। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है तमाम के तमाम लोग इसके अंदर कोऑपरेट करेंगे ऑफिसर और ये काम करेंगे। हमारा जहां पे भी सपोर्ट होना है हम रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए, 24x7 हम आपको सपोर्ट देने तैयार है, क्योंकि मेरे एरिए के अंदर बी का अलावा है और मेरे लिए भी ये पहला साल है। मैं चाहता हूं कि मेरे शिया बरादरी के भाइयों के लिए ये बेहतरीन से बेहतरीन उनको सहूलत पहुंचे और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं हम आपको सपोर्ट करते हैं। बाकी चीजें काफी मेरे पास जिससे तकरीबन लोग कवर कर चुके हैं, मेरे को अप्रोच रोड जो आशुरखाने के होते हैं उसको जरूरी है, जहां पे भी रिपेयर की जरूरत है, पॉटर क्लीनिंग है वो करना चाहिए और मेजर आज जो प्रॉब्लम चल रहा है वो गार्बेज का प्रॉब्लम चल रहा है। गार्बेज बारिश के अंदर वो बिल्कुल बह के जा रहा है। आज हम क्या करें, डोर टू डोर कलेक्शन जरूर करें, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ओपन पॉइंट है, ओपन पॉइंट की तरफ से गार्बेज बहते जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि पहले हमारे पास डंपर बिन थी और डंपर प्रेशर